आज हम स्टडी बिंदास में प्रपोजिशंस से रिलेटेड स्पॉटिंग एरर सीखेंगे। फ्रेंड्स, IBPS PO एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसी से एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो तैयार करी है। इसमें आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा कि कैसे एरर स्पॉट करते हैं और क्या क्या रूल्स यूज़ हो रहे हैं। मैंने रूल्स समझाने के बजाय एग्ज़ाम्पल से ही रूल को समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आप लोग को ये फंडा समझ में आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले लेसन्स और चैप्टर्स को आप फ़ायदा उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एग्जांपल वन है, ही टुक लीव ऑफ 4 days, नो एरर। इसमें एरर यहाँ पर बी वाले में है, देखिए बी लीव ऑफ। रूल क्या कहता है, लीव फॉर योर डेज इज द करेक्ट फॉर्म। लीव फॉर, अगर जब कभी भी आप लीव ले रहे हैं ऑफिस से या फिर कहीं से, तो ऑफ नहीं यूज़ होगा, फॉर लीव के साथ हमेशा फॉर डेज यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। फिर से रिपीट करता हूँ, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। यहाँ पर जो एरर है वो बी में है। बी में क्यों एरर आया है, यहाँ पर लिसन जो होता है, लिसन इज फॉलोड बाई टू, लिसन हमेशा फॉलो करता है टू को, ऑफ को नहीं करता। तो लिसन हमेशा टू को फॉलो करता है, ये रूल है। ऐसे रूल्स ही आगे यूज़ होते हैं एरर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, ही विल नॉट लिसन व्हाट यू से, नो एरर। इसमें बी में ही एरर है, लिसन इज फॉलोड बाई टू, तो इसमें भी टू यूज़ होगा, लिसन हमेशा टू के साथ ही आएगा, क्योंकि हम किसी को सुनते हैं, लिसन टू मोहन, लिसन टू टीचर, तो टू हमेशा यूज़ होगा लिसन के साथ। फोर्थ, नो बडी डिनाइज डेट माई आइडियाज़ आर डिफरेंट देन योर्स, नो एरर। यहाँ पर एरर सी में है, डिफरेंट इज़ फॉलोड बाई फ्रॉम, जो ये रूल कहता है कि डिफरेंट हमेशा फ्रॉम को फॉलो करेगा, तो कोई और चीज़ नहीं आएगी इसमें। प्रपोजिशन जो देन है यूज़ हो रहा है ये गलत है, यहाँ पर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, नो बडी डिनाइज डेट माई आइडियाज़ आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ, इट वॉज आई हु रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। यहाँ पर जो एरर है वो ए में है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल इज़ फॉलोड बाय फॉर, हमेशा रिस्पॉन्सिबल जो है फॉर को फॉलो करेगा, ऑफ नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर को यूज़ होगा करेगा। तो ये रूल्स हैं, इसमें आपको वर्ड याद करने हैं कि कौन क्या फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली आप मेरे वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स, सी वॉज इन द कोर्ट यार्ड वेन द बगलर्स इंटर्ड इन टू हर हाउस, नो एरर। यहाँ पर इंटर्ड इज नॉट फॉलोड बाई इंटू, देखिए ये जो एरर है सी में है, और इंटर्ड इनटू हर हाउस, हमेशा देखा होगा आपने क्वेश्चन में इंटर्ड इनटू दे दिया जाता है क्वेश्चन में, और ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस हम यही बोलते हैं इंटर्ड इनटू हर, मोस्ट प्रॉब्ली यही बोला जाता है जिनको पता नहीं होता है, मगर ये गलत है। इनटू और इंटर्ड का मतलब ही होता है प्रवेश करना, तो इंटर्ड अगर हमने दे दिया तो उसके साथ इनटू पहले ही आ जाता है उसकी मीनिंग में, तो इनटू का मीनिंग इनटू यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर हमेशा अगर कभी भी इंटर्ड के साथ इनटू है तो इनटू को नेगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, और एरर सी में ही है। नेक्स्ट देखते हैं, सेवेंथ, आवर टीचर इम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, नो एरर। इम्फेसाइज्ड इज नॉट फॉलोड बाई ऑन,
यहाँ पर जो इम्फेसाइज्ड है वो ऑन को फॉलो ही नहीं करेगा, इम्फेसाइज्ड उसके अंदर ही, ऑन उसके अंदर ही आ जाता है इम्फेसाइज्ड के। तो ये सुपरफ्लुअस बना देता है एक तरीके से। तो ये सेंटेंस एक तरीके से गलत हो जाएगा अगर ऑन यूज़ करेंगे। तो आवर टीचर इम्फेसाइज द यूज़ ऑफ करेक्ट ग्रामर, ये करेक्ट होगा। 8th, ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड, नो एरर। यहाँ पर एरर है ए में, ऑन विल बी रिप्लेस बाय एट। हमने देखा होगा कि हम कभी भी टाइम की बात करते हैं तो एक प्रॉपर प्रपोजिशन यूज़ होता है एट। तो एट द टाइम हम हमेशा एट की बात यूज़ करते हैं उसमें हमेशा, तो ऑन यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। नेक्स्ट 9 देखते हैं, वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अ स्टॉकर अटैक्ड ऑन देम विद अ नाइफ। यहाँ पर सी में एरर है और अटैक इज़ नॉट फॉलोड बाय ऑन। अटैक का मतलब ही हम किसी के ऊपर प्रहार कर रहे होते हैं, किसी के ऊपर। ऑन का मतलब ऊपर, तो अटैक के साथ ही ऑन आ जाता है, उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी के ऊपर अटैक्ड कर रहे हैं तो सीधे अटैक्ड ऊपर ही किया जाता है किसी को, ऑन तो उसके अंदर ही आ गया एक तरीके से। तो ये सुपरफ्लुअस सेंटेंस बना देगा, तो इसको नेगलेक्ट करना है। जैसे सेंटेंस हो जाएगा, वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल आई स्टॉकर अटैक्ड देम विद अ नाइफ। नेक्स्ट देखते हैं 10th, द डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल वैल्यूज हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स, नो एरर। डिक्लाइन इज फॉलोड बाय इन, हमेशा याद रखिए कि डिक्लाइन जो होता है वो इन को यूज करता है अपने साथ, तो ऑफ नहीं होगा यहाँ पे। तो सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, द डिक्लाइन इन हिज मॉरल वैल्यूज हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। 11th देखते हैं, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो एरर। यहाँ पर सी एरर में, एरर सी में है, इंटरेस्टेड इज़ फॉलोड बाय विद। इंटरेस्टेड जो है वो हमेशा विद को फॉलो करेगा, तो यहाँ पर इन का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर इंटरेस्टेड मी विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट 12th देखते हैं, सुधा फेल इन द वेल एंड नो बडी ट्राइड टू सेव हिम। तो यहाँ पर सेंटेंस में हमेशा हम किस में गिर रहे हैं, फेल इन, तो फेल हमेशा अगर इनटू इज़ द करेक्ट फॉर्म होता है, फेल इनटू, अगर हम किसी वेल में गिर रहे हैं, कुएं में गिर रहे हैं तो उसके अंदर जा रहे हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, तो वो इनटू यूज़ होगा, फेल इनटू इज़ द राइट एरर यहाँ पर ए में है। 13th, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, नो एरर। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, देन मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई टू, प्रेफर टेक्स इट टू टेक्स टू आफ्टर इट। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए, प्रेफर के साथ हमेशा टू यूज होता आ रहा है, वी प्रेफर कॉफ़ी देन की जगह टू हो गया, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं थोड़ी, इनको याद रखिए, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये कन्फ्यूजिव वर्ड्स हैं। फोर्टीन देखते हैं, सुरेश इज़ बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन, नो एरर। यहाँ पर बिजी इज़ फॉलोड बाय विद, नॉट इन। जो बिजी है वो हमेशा विद के साथ फॉलोड होगा, बिजी विद, हम किसी चीज़ में बिजी हैं तो विद हिज वर्क, यहाँ पर इन यूज़ नहीं होगा। 15th, वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाय अ बस, नो एरर। यहाँ पर रन आउट मस्ट बी रिप्लेस बाय रन ओवर, रन ओवर मीन्स टू कम अंडर द व्हील्स ऑफ। यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो बस के व्हील के नीचे आ गया एक तरीके से, सेंटेंस ये बोल रहा है कि वो एक्सीडेंट उसका हो गया है प्रॉपर, तो रन ओवर ही यूज़ होगा क्योंकि गाड़ी उस पे से चढ़ गई है तो व्हील्स उसके से पार कर गए हैं, और रन आउट का मतलब कुछ अलग ही होता है। तो एक तरीके से सेंटेंस हो जाएगा, वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय अ बस, एरर यहाँ पर सीम है। 16, एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, नो एरर। यहाँ पर जो एरर है वो सीम है, लैंड विल बी फॉलोड बाय ऑन। यहाँ पर हमेशा हम देखते हैं कि लैंड से पहले ऑन, अगर हम खड़े हैं तो ऑन लैंड, तो एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड यहाँ पर मिस हो गया है, तो ये एरर सीम है।
17th, my mother is fond of cooking different types of dishes. No error. यहाँ पर error है कि जो double F off है ये हमेशा off होगा. तो fond is followed by off, मगर off कौन सा होगा जिसमें single F हो. 18th, our teacher cannot control on the student. तो if control is used as verb, it is not followed by on. अगर control को हम verb की तरह use कर रहे हैं, क्रिया की तरह use कर रहे हैं, तो on use नहीं होगा. सीधे sentence हो जाएगा, our teacher cannot control the student. तो on का use यहाँ superfluous sentence बना देगा. 19th, the lawyer has been waiting for the prisoner since 2 hours. No error. यहाँ पर since must be replaced by for. 2 hour is a period. अगर period की बात करते हैं तो हम for का use करते हैं, तो यहाँ पर since for का replace कर देगा. For since को replace कर देगा. Mr. Bacon has great affection to his family. No error. Affection is followed by for and not to. तो यहाँ affection to है, ये गलत है. यहाँ पर for use होगा, affection for. तो इसी तरह दोस्तों पढ़ते रहिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगी. और अगर वीडियो पसंद आया आपको मेरा तो सब्सक्राइब करिए, हम और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे आने वाले दिनों में. थैंक यू.